कोरपना तहसील के ग्राम पंचायत पिंपल गांव में सरकार के 33 करोड़ वृक्षारोपण मुहिम का मजाक बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र शासन द्वारा इस समय पूरे राज्य में 33 करोड़ वृक्ष लगाने की मुहिम चल रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर वहीं गोरपना तहसील के ग्राम पंचायत पिंपल गांव में सैकड़ों पेड़ लावारिस अवस्था में पड़े दिखाई दे रहे हैं। पिंपल गांव ग्राम पंचायत के पहले चरण में कुल 2290 वृक्ष आए और उसके बाद दूसरे चरण में 1000 वृक्ष आए, जिसमें से 2290 वृक्ष लगाए गए, ऐसी जानकारी ग्राम पंचायत के सचिव ने दी। वृक्षारोपण के लिए लाए गए कुछ वृक्ष कांजी हाउस में रखे गए और कुछ दिनों बाद जब जानवरों को उसमें रखा गया तो उन जानवरों द्वारा उस वृक्षों का बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया, जिसके बाद इन वृक्षों को कांजी हाउस के पीछे फेंक दिया गया। और जब इस संबंध में गांव वासियों से हमारे प्रतिनिधि गणेश लोंडे ने जानकारी हासिल की तो इस संबंध में उन्होंने क्या जवाब दिया, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। ग्राम पंचायतच्या लोकांनी झाड आणले पण लावले नाहीये काही झाड, आणि रोजगार हमी मधून लावले म्हणून नाही का फक्त गावामध्ये सांगायसाठी आहे, पण कोणी काही झाड लावले नाही, दुर्लक्ष करून लाखो रुपयाचं नुकसान केलेलं आहे। पुन्हा आणून झाड आहे कांजीमध्ये ठेवतात झाड, कोणाच्या घरी नाही, ग्राम पंचायत मध्ये नाही, कुठंच नाही, ढोर बांधते तिथं कांजीमध्ये आणून टाकतात, आणि ते झाड ट्रॅक्टरने आणून टाकलेले आहे पण नाही का पुन्हा फेकते काय करते माहित नाही, काही झाड लावलेलं नाही आहे, पुन्हा 4 दिवसाकडे येऊन पाहिलं तर पुन्हा फेकून देतात। वृक्षारोपण के नाम पर किस प्रकार का मजाक उड़ाया जा रहा है आपने स्वयं देखा। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि गणेश लोंडे की रिपोर्ट।